हेलो, पंचायत स्टूडेंट शो में आपका स्वागत है। आज के स्टूडेंट देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का जो आवेदन होता है ऑनलाइन, वो कैसे कर सकते हैं या कौन लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग घर बैठे खुद से अपने फोन या कंप्यूटर से इस आवास योजना में ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आवेदन होता है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए जो आवेदन किए जाते हैं, उसके लिए अभी कोई लीगल वेबसाइट नहीं है जिसपे हम खुद से आवेदन कर सकते हैं। इसमें से जो ऑफिशियल या आधिकारिक पर्सन होते वही लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी जैसे कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सारे आवास बनाए गए हैं, जो टारगेट लक्ष्य था कंप्लीट किया गया। जस्ट इसके बाद अभी नया टारगेट और लिया जाएगा, यानी कि नए आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे। तो क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम लीगल तरीके से। यहाँ पे जो चीज़ देखिए पॉसिबल है वही मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई आवेदन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से खुद से आवेदन कर पाए। तो चलिए यहाँ पे दिखाने का कुछ प्रयास करते हैं, क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और सही प्रोसेस क्या होता है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इस पोर्टल पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना होगा pmay.nic.in। जैसे इतना टाइप करेंगे, आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज खुलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ध्यान रखिए ये शहरी के लिए नहीं, यहाँ पे ग्रामीण है, यानी कि ग्रामीण एरिया के लिए जो बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से, उनके लिए है, यहाँ पे अर्बन के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आवास साफ्ट का एक ऑप्शन है अबाउट की जस्ट सफेद में। उसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री, यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे जो डेटा एंट्री वाला ऑप्शन होता है सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना। जैसे डेटा एंट्री पर आप क्लिक करेंगे, जितने भी आवास के आवेदन किए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, यानी कि जो आधिकारिक ऑफिशियल विभागीय पर्सन होते हैं वही लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, और जो बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है वही लोग यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये तो हो गया कि जो लोग आवेदन करेंगे ऑफिशियल पर्सन, लेकिन गाँव क्षेत्रों में, देहात क्षेत्र में कैसे यहाँ पे आवेदन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके ग्राम पंचायत में आपके जो, जैसे कि मान लीजिए आपका घर कच्चा है, छत नहीं पड़ी होनी चाहिए, और आप सभी क्राइटेरिया जो उसमें बेनिफिशियरी के क्राइटेरिया होते हैं उसको फॉलो करते हो, और उसमें तब आपको वहां पे चयन किया जाएगा। चयन कैसे होगा, चयन में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम सेक्रेटरी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनका जब सर्वे होगा तो सर्वे में आपका घर देखा जाएगा आपके साथ कि क्या कंडीशन, आपकी वर्तमान कंडीशन क्या है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पासबुक वगैरह, जो भी फोटो और घर के साथ आपकी फ़ोटो क्लिक की जाती है, फिर उसको लेके वो लोग आवेदन कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। आप बाहर से कहीं से ऑनलाइन कोई अगर आपको झांसे में ले रहा है कि पैसे दे दीजिए हम करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जानकारी के पर्पज से बता दूँ, केवल आधिकारिक पर्सन ही कर सकते हैं इसमें, इस योजना में आवेदन, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप कहीं पैसा दे रहे हैं तो गलत जगह पर फंस जाएगा आपका पैसा, इसलिए आप गलत जगह पर पैसा ना दें। अगर आप पात्र हैं तो आप तहसील दिवस पर जाकर के अपने तहसील पर एप्लीकेशन लिखा सकते हैं, और उसके माध्यम से जांच होगी, फिर जांच के माध्यम से आपका नाम ऐड कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आपको आवेदन कराने का ग्रामीण क्षेत्र में, एरिया में, यानी कि जब अभी जैसे टारगेट कंप्लीट हुआ है तो फिर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ यहाँ पे आवास को अभी चयन किया जाएगा। तो आप लोग अपने घर में डॉक्यूमेंट्स में जैसे मेन आधार कार्ड और पासबुक और फोटो वगैरह सारी चीज़ें रखें, जैसे ही आपका वहाँ पे घर कच्चा होगा सर्वे किया जाएगा, सर्वे के हिसाब से जैसे ले लिया जाएगा तो आप लोग आसानी से फिर इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे ही नाम आ जाएगा तो कुछ दिन बाद जैसे ही आवास सेक्शन होते हैं तो वो आपको आपके नाम आ जाएंगे, उसकी लिस्ट भी जारी हो जाती है, और फिर उसके बाद आपके खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ग्रामीण आवास को आवेदन करने के लिए, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि जो डेटा एंट्री का ऑप्शन होता है, यानी कि लॉगिन करना होता है, उसमें केवल आधिकारिक पर्सन ही कर सकते हैं, बाकी कोई लोग नहीं कर सकते। उसके बाद अभी अभी दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि जिनका पैसा आ चुका है वो कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी जैसे जस्ट आवेदन चालू होंगे तो जो लोग विभागीय अधिकारी होंगे वही लोग यहाँ पे कर पाएंगे, बाकी यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करना है उसका सही प्रोसेस क्या है, यानी कि हम कैसे करवा सकते हैं, बाकी कहीं दूसरी जगह पे आप यहाँ पे पैसे देकर मत फंसे। सेम प्रोसेस जो आधिकारिक पर्सन होंगे वहीं पे आके सर्वे करेंगे, फिर वही उन्हीं के माध्यम से आपका आवेदन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।